हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यू डैश प्लस पोर्टल का एक नया अपडेट आया है। बहुत से टीचर्स ये सवाल कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स की यू डैश में एंट्री नहीं हुई है उनका क्या होगा, उनको ऐड करने की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अलावा किसी भी क्लास में न्यू स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन स्टूडेंट पोर्टल में नहीं दिया हुआ। तो उसी के रिलेटेड 19 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई का एक लेटर इशू हुआ है। मैं आपको वो लेटर बता देता हूं। ये है वो लेटर जो महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई की तरफ से इशू किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि पिछले एकेडमिक ईयर में जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में पढ़ते थे उनकी यू डैश पोर्टल में एंट्री करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की एंट्री पोर्टल पे नहीं की गई है। और उसके जो रीजंस मिले हैं उसमें यहाँ पे कुछ रीजंस बताए गए हैं, जिसमें आधार नंबर न होने की वजह से एंट्री नहीं हुई है, और उसके अलावा पूरी डिटेल्स न होने की वजह से, स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स न होने की वजह से भी यू डैश पोर्टल पे उन स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं की गई है। और उसके अलावा कुछ स्कूल्स ने उन स्टूडेंट्स की डिटेल भरी ही नहीं है। तो इस तरह से इसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसके चलते यू डैश पे स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं हुई है। तो आप जिनकी एंट्री पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुई थी उनको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट ऐड करना बाकी है उनको आप उन स्टूडेंट्स को ऐड न करने का खुलासा यानी रीजन यहाँ पे देना है, और साथ में कितने स्टूडेंट्स को ऐड करना है बाकी है वो भी बताना है। तो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टूडेंट को ऐड करने की फैसिलिटी दी जाएगी। तो क्लास सेकेंड से 12th तक अगर कोई स्टूडेंट की एंट्री बाकी है तो उन स्कूल्स को 25th अक्टूबर 2023 तक इस लिंक पर जाकर उन्हें जानकारी देनी है। यहाँ पे नीचे उसकी लिंक दी हुई है। अब ये लिंक को हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इस वीडियो के टाइटल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे ये लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप वो लिंक भर सकते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपके कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करना बाकी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस गूगल फॉर्म पे आप आ जाएंगे, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर ऑफ हेडमास्टर फॉर स्टूडेंट एंट्री क्लास सेकेंड टू ट्वेल्थ इन यू डैश प्लस 2023-24 नॉट हैविंग नेशनल आईडी। अब यहाँ पे आपको जानकारी कौन कौन सी डालनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, यू डैश कोड, स्कूल नेम और नंबर ऑफ स्टूडेंट पेंडिंग, यानी कितने स्टूडेंट आपके पेंडिंग हैं जो ऐड नहीं किए हुए हैं। उसके बाद हेडमास्टर नेम, एचएम मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमने जैसे बताया था आपको कि आपको यहाँ पे खुलासा देना है यानी रीजन देना है कि इन स्टूडेंट को आप क्यों नहीं ऐड किए हुए। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, वो खुलासा लेटर तैयार कर लीजिए। तो उसका यहाँ पे आपको वो फाइल को जो खुलासा है उसको यहाँ पे ऐड फाइल करके यहाँ पे अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन स्टूडेंट्स की एंट्री बाकी है उन स्कूल्स को ये काम करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यही अपडेट आपको देना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोज को आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।